नमस्ते, मैं संतोष गुरु महाविद्या में आपका स्वागत करता हूँ। दीपावली पर्व लक्ष्मी को अपने जीवन में उतारने का पर्व। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में हम सब लोग आर्थिक संपन्नता के लिए लक्ष्मी साधना करते हैं, श्री यंत्र उपासना करते हैं, लेकिन इस दीपावली पे श्री साधना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में यदि श्री है, लक्ष्मी सबके पास है, लेकिन जब उसमें श्री का आगमन होता है तो वो स्थिर लक्ष्मी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है। तो आज हम बात करेंगे वो श्री जो है, वो दीपावली में वो श्री का आगमन कैसे होता है हमारी लाइफ में। करना क्या है, एक यंत्र की आप लोगों को पूजा करनी है जो आप लोगों के पास है, वो यंत्र है श्री यंत्र। श्री यंत्र का पूजन इस दीपावली को करना है। बाचोट ले लीजिए, बाचोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और लक्ष्मी यंत्र को वहां पे स्थापन कर दीजिए। आप लाल कलर के आसन पे बैठ जाइए, उत्तराभिमुख बैठना है। उसके बाद क्या करना है, जो श्री यंत्र है उसका आपको पूजन करना है श्री सूक्त से। श्री सूक्त की रुचा से आप अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद अभी कलाल कंकु चौका जो पंचोपचार पूजन करते हैं वो पूजन करिए। और मैं एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र से गुलाब की पंखुड़िया या फिर आपके पास कमल मिल जाता है तो कमल को आप उनसे उन पे चढ़ाना है। तो मंत्र कौन सा है, ओम श्री महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा। ये मंत्र आप जपते हुए 108 गुलाब की पंखुड़िया चढ़ाइए या फिर आप कमल की पंखुड़िया करके भी चढ़ा सकते हैं। ये जो मंत्र है वो बहुत पावरफुल मंत्र है और आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता लेके आएगा। ये पूजा होने के बाद आपको ये मंत्र की 11 माला करनी है और पूरी रात, दीपावली की पूरी रात श्री यंत्र को वैसे ही रखना है। दूसरे दिन वो सब फूल जो आपने यंत्र पे चढ़ाए वो लेके आप अपना जहाँ पे पैसा रखते हो वहाँ पे रख दीजिए। तो ये साधना आप सभी के जीवन में बहुत ही आर्थिक उन्नति लाएगी और धीरे धीरे प्रगति करेगी। दोस्तों, ये दीपावली पे आप ये साधना करें और जीवन में सुख शांति और समृद्धि तीनों का एक समन्वय पाए। मैं संतोष गुरु आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।